हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस देखिए, बहुत बच्चे सिर्फ इसी कंफ्यूजन में हैं कि हमने जो है एजुकेशन का एसएससी वाला सिलेबस कंप्लीट करवा दिए बट पॉलिटिकल साइंस का नहीं करवाया है। तो गाइस देखिए, पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था। उस टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे थे तो बच्चे फ्री बैठे थे कि अभी जब एग्ज़ाम आएंगे तब हम पढ़ लेंगे। तो गाइस देखिए, अब हम वहाँ पे रिवीजिंग करवाते हैं कि रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि बच्चों को अपना सिलेबस ही नहीं पता होता कि उनके पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बुक का नाम नहीं पता होता। किसी किसी बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि कल इनका एग्ज़ाम है। तो उन्हीं के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं रिवीजन की। तो गाइस आप ज़रूर देखिएगा, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ये DSE में यानी कि डिसिप्लिन इंस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स में है। और जो आपकी बुक है यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका क्या नाम है, वैश्वीकरण की समझ अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो गाइस देखिए, पॉलिटिकल साइंस के दो सब्जेक्ट है, एक पॉलिटिकल साइंस DSE में और एक SEC में। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। हमने हर एक वीडियो के थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि DSE की है या फिर SEC की है। तो आप प्लीज़ देख कर पढ़िएगा, क्योंकि बच्चे पहले पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद बोलते हैं, कमेंट मैसेज करते हैं कमेंट में कि मैम ये तो अलग ही सब्जेक्ट का था, ये हमारा आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ये हमारी बुक का है ही नहीं, हमारा सिलेबस है ही नहीं। तो प्लीज़ गाइस आप पहले देख लीजिएगा, हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं इस बात को। चलिए परिचय स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट चैप्टर का परिचय दे रखा है, वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण का अर्थ। तो गाइस देखिए, जो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है वो हमने ऑलरेडी वीडियो में कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो नोट्स है इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ज़रूर मिल जाएगा। तो गाइस प्लीज़ पहले पूरी वीडियो वॉचिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपके नाम है प्लेलिस्ट से समझ के आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स लेने की बेस से आते हैं कि नोट्स मिल जाए और नोट्स से हम पढ़ लें, तो आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नोट्स से कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है जब तक कि वो समझेगा नहीं। नोट्स तो मैं भी बना लूँगी लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए गाइस, वैश्वीकरण की परिभाषा बता रखी है, वैश्वीकरण ऐतिहासिक विकास, वैश्वीकरण असहमति और विरोध, वैश्वीकरण वैकल्पिक दृष्टिकोण। इस चैप्टर नंबर 1 आता है, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर बी यानी कि चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर ए हमने ऊपर पढ़ लिया, ये चैप्टर नंबर बी है, आयाम आर्थिक राजनीतिक तकनीकी और सांस्कृतिक। परिचय बता रखा है, वैश्वीकरण की संस्कृति बता रखी है, वैश्वीकरण और वैश्विक गाँव बता रखे हैं, संस्कृति वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले कारक बता रखे हैं, फायदे, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का विश्लेषण, वैश्वीकरण की तकनीकी आयाम। तो गाइस देखिए, अभी भी बच्चे ये वीडियो अपलोड होने के बाद यही कमेंट करेंगे कि मैम आपने एक्सप्लेन नहीं करा, सिर्फ आप पढ़ रहे हो समझा नहीं रहे हो। तो मैं आपको फिर से यही बता देती हूँ कि हमने एक्सप्लेन वीडियो में कर रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। वैश्वीकरण के तकनीकी आयामों की चुनौतियाँ, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। चैप्टर नंबर, अब यूनिट 2 का चैप्टर नंबर ए आता है गाइस, संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक अवलोकन, सिद्धांत और उद्देश्य, कार्य का सिद्धांत, सबको परिभाषित कर रखा है, देख लीजिए आप। सुरक्षा परिषद में समूह सुरक्षा की संकल्पना, वीटो की शक्ति, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सदस्यता, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लीजिए। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर बी आता है, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर राष्ट्रीय कंपनियां, ऐसे भी पूरा एक्सप्लेन हमने वीडियो में कर रखा है, आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं कि आपके चैप्टर्स के नाम क्या है, सिलेबस क्या है आपका, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं, देख लीजिए आप। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर सी आता है, ब्रिक्स के बारे में बताया गया है, ब्रिक्स कौन कौन सी राज्य से मिलकर बना था ये देख लीजिए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्रिक्स के बारे में बताया गया है, उपलब्धि और चुनौतियाँ बताई गई है, निष्कर्ष भी है इसमें, ब्रिक्स सम्मेलन की कौन कौन से राज्य में कब कब सम्मेलन हुआ था, कब कब ब्रिक्स बना था वो बताया गया, उसकी डेट बताई गई है। यूनिट 3 का चैप्टर नंबर ए आता है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता, संसाधन की कमी,
अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, ऐसे भी वीडियो में अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गाइस आपको मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, हम वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं लेकिन बच्चे ये कमेंट करते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा, अच्छे से समझाओ। तो गाइस देखिए, जितना हमसे पॉसिबल हो पाते हैं हम बनाते हैं, क्योंकि हमारी भी स्टडी करनी होती है, हमें खुद की स्टडी करनी होती है। तो प्लीज़ गाइस आप खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए, हमें जितना पॉसिबल होता है हम पढ़ाते हैं। और जितने ही सिलेबस का हमारा कंप्लीट होता जाता है, सिलेबस हम अपलोड करते जाते हैं, जितने भी सिलेबस हमसे होता है, अभी तक जो हमारा 6 सेमेस्टर का है वो यूनिट 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का और एजुकेशन SCC का कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लीज़ पहले इन दोनों की वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम आगे भी डिसिप्लिन की, एजुकेशन की ज़रूर बनाएंगे और इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर की भी ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए यूनिट 3 का चैप्टर भी वैश्विक न्याय। जैसे भी एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे फिर यूनिट 3 का चैप्टर नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो गाइस देखिए, ये यूनिट 3 का चैप्टर नंबर सी पे एंड होता है। तो गाइस देखिए, हमने आपको शॉर्ट नोट पर समझाने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको, आपने हमारी वीडियो देखी हो तो आपको हमारी वीडियो में समझ आ गया होगा। और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, मैं अभी भी ये रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि प्लीज़ आप पहले वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद ही इसमें से नोट डाउनलोड करके आप नोट से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप हमारे साथ जुड़े हों पहले से और आपको सारी वीडियो के बारे में जानकारी हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।